वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कौन सी बाइक है, द ऑल न्यू 2024 आरसी 390 मोटो जीपी एडिशन। सो यार आज की वीडियो के अंदर यार इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन होने वाली है, प्राइस होने वाला है, फीचर्स होने वाले हैं। सो यार बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, दैट्स फॉर वीडियो को लाइक करो। सो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चेकआउट करो यार क्या ही बीस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। इसकी जो यार स्पेसिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहले आप एक बार जो आप इंजन बे को चेकआउट कर लो, कैसा जो है कुछ आपको इंजन में देखने के लिए मिल जाएगा। मैं दूसरी तरफ से आपको जो इंजन में दिखा देता हूँ, ऐसा जो आपको कुछ इंजन में देखने आपको मिल जाएगा। ग्रेइश थीम के अंदर जो इसकी थीम रहने वाली है। एंड बात करते हैं इसके पावर आउटपुट की। सो 373 सीसी का इसके अंदर जो है आपको लिक्विड कूल्ड इंजन आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको जो है पावर आउटपुट निकाल के देगा 43.4 PS की एंड 37 Nm का इनसेन टॉर्क। सो नो डाउट यार पावर बहुत अमेजिंग मिलने वाली है, बहुत एक यू नो हाई रेव हैप्पी एंड हाई टॉर्क हाई पावर इंजन जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड हमें पता है हम KTM की एंड इस पर्टिकुलर बाइक की जो है पावर से हमें पता है कि किस लेवल का परफॉर्मेंस एंड ग्रंट जो ये इंजन आपको सिंगल सिलेंडर इंजन जो आपको ऑफर करता है। KTM की स्पेशलिटी है यार, एक सिंगल सिलेंडर इंजन से इस लेवल का ग्रंट वो जो निकाल रही है ना यार, आई मीन हैट्स ऑफ भाई। सो ऐसे जो कुछ आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। सो जल्दी से चलते हैं इसके फ्रंट पे। सो फ्रंट के अंदर जो है आपको आपको फ्रंट के अंदर जो है आपको 110 सेक्शन का जो है आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड जिसके अंदर आपको जो है प्रॉपर आई है मोटो जीपी एडिशन आप जो है देख रहे हो। इसके अंदर आपको जो है 17 इंच की जो अलॉय आएंगे एंड उसके साथ जो है ब्लैक्ड आउट इसके अंदर जो अलॉय के ऊपर जो आपको थीम पेंट जॉब आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा। रियर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो रियर के अंदर जो है आपको 150 सेक्शन का जो टायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड अगेन इसमें भी आपको जो है ब्लैक्ड आउट थीम आपको जो प्रॉपर मिलने वाली है एंड अमेजिंग लग रहा है यार जो देखने में। उसी के साथ बात करते हैं इसके डिस्क साइज़ की। सो फ्रंट के अंदर इसके अंदर जो है आपको 320 mm का जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगी, एंड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगेन बहुत एक यूनिक एंड बहुत कूल डिज़ाइन है यार डिस्क का, एंड 4 kg जो है इसकी डिस्क ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो है वेट रिडक्शन किया गया है, जिससे कि जिसकी वजह से आपको जो एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, अच्छी जो आपको ब्रेक बाइट मिलेगी। रियर डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो 230 mm की जो आपको रियर डिस्क देखने के लिए मिल जाएगी, अगेन वाइब्रेट ब्रेक कैलिबर्स एंड फ्रंट के अंदर भी जो आपको वाइब्रेट ब्रेक कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बात करी हमने टायर्स की एंड इसके ब्रेक सिस्टम की। सो उसी के साथ बात करते हैं अब इसके सस्पेंशन सेटअप की। सो फ्रंट के अंदर इसके अंदर आपको जो है WP Apex के जो अपसाइड डाउन फोक्स जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगेन बहुत अमेजिंग ग्रिपिंग, बहुत एक अच्छी स्टेबिलिटी जो कि इसको प्रोवाइड करता है। USD का काम ही होता है, USD का एडवांटेज यही है कि यार आपको एक बहुत अच्छी यू नो रोड ग्रिप, एक स्टेबिलिटी कॉर्नरिंग के आपको हेल्प करती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है आपको USD जो प्रोवाइड करते हैं। अगेन पीछे चलते हैं। सो रियर में आपको जो इसके अंदर आपको जो मोनोशॉक देखने के लिए मिल जाएगा, एंड एक बार आप जो है लुक चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसी जो है आपको बाइक देखने के लिए मिल जाएगी लुक्स के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं इसके जो है लाइट सेटअप पे। अब बात करते हैं इसके लाइट सेटअप की। सो यस देख सकते हो आप यार, आपको प्रॉपर आपको जो इसके अंदर आपको LED सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट के अंदर आपको जो है हेडलाइट आपको LED देखने के लिए मिल जाएंगे विद DRL। देख सकते हो आप यार DRL कितने अच्छे लग रहे हैं, एंड अगेन आपको LED आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं फ्रंट के अंदर। पहले जो आपको इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है आपको मिरर्स पे आती थी, सो इन केस अगर आपकी बाइक जो है कभी गिरती है सो वो आपको प्रॉपर आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था, बट अब जो है इसकी जो बॉडी पैनल के अंदर जो इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसी के साथ चलते हैं पीछे। सो अगेन पीछे में भी जो आपको प्रॉपर आपको जो LED सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, एंड काफ़ी एक अच्छी पोजीशनिंग है इंडिकेटर्स की, एंड उसी के साथ यहाँ पे जो आपको रियर हेडलाइट की जो है प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी एक क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर इसकी जो है लाइट रहने वाली है। यहाँ से करते हैं इसको ऑफ। सो उसके साथ चलते हैं इसके
बॉडी के ऊपर आपको क्या क्या पेंट जॉब देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो फ्रंट में आपको जो 390 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, नीचे जो आपको मोटोरेक्स एंड डब्ल्यू पी एपिक्स की जो है ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, स्टिकरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड नीचे जो है आपको एक्रापोविक का जो स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे रेडी टू रेस की जो है ब्रांडिंग, एंड ये जो आपका मोटो जीपी वेरियंट आपका रहने वाला, तो इसके अंदर आपको जो स्टिकरिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा मिलेगी एक नॉर्मल वेरियंट से। सो यहाँ पे भी आप जो देख सकते हैं रेडी टू रेस की ब्रांडिंग, नीचे जो आपकी एक्रापोविक की ब्रांडिंग, यहाँ पे अगेन मोटोरेक्स और डब्ल्यू पी एपेक्स की जो है आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एग्जॉस्ट टिप से। सो फुल्ली आपको जो ब्लैक्ड आउट आपको जो एग्जॉस्ट टिप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, विद यहाँ पे आपको जो कवर देखने के मिल जाएगा जो कि आपको जो स्टील कितना रहने वाला है, एंड यहाँ पे आपका जो रियर फुट रेस्ट, यहाँ पे आपका फ्रंट फुट रेस्ट, यहाँ पे जो आपका फ्रंट और सॉरी ब्रेक के लिए आपको लीवर आ जाएगा, एंड उसी के साथ चलते हैं यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे आपको जो है फ्रंट फुट रेस्ट, एंड उसी के साथ आपको जो गियर लीवर, यहाँ पे आपको जो है रियर फुट रेस्ट, अगेन यहाँ पे आपको जो सारी गार्ड मिलता है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, पीछे जो आपका टायर है अगर, एंड इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम एक बार फीचर से गो थ्रू करेंगे। सो एक बार जो आप लुक ले लो यार, सो अगेन काफ़ी एक अच्छी फिनिशिंग है यार। ये जो आपको पार्ट जो है आपको प्रॉपर ग्लॉस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड अगेन उसी के साथ ये यहाँ पे आपको जो है मैट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड मोटो जीपी एडिशन के अंदर जो है मैट का जो है काफ़ी यूज़ करा गया है, जो कि एक इस बाइक को जो अलग स्टैंड आउट करता है, एंड यार बाइक जो है देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो 824 mm की जो इसके अंदर आपको सीट हाइट देखने के लिए मिल जाएगी, एंड अगेन 13.7 लीटर की जो इसकी आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि टैंक साइज जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अगेन अब मैं बात करता हूँ इसके माइलेज की, सो ज़्यादा माइलेज आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यार इतना पावरफुल इंजन है, इतना हाई टॉर्क इंजन है, इतना हाई कंप्रेशन इंजन है, सो 25-30 के बीच में आपको ये माइलेज जो आपको निकाल के दे देगी। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे चलाते हो, कैसे नहीं चलाते, किस आरपीएम पे आप जो गेट शिफ्ट करते हो, एंड 25-30 की एक जो है आपको डिसेंट माइलेज जो है बाइक आपको निकाल के दे देगी, विच इज़ नॉट बैड इतने अच्छे और इतने बड़े पावरफुल इंजन के लिए। एंड कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं बात करूँ, सो इसके जो कॉम्पिटिटर रहने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई हमारी R3, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी मार्केट के अंदर, एंड मैं किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा, बट जस्ट मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि यार जो उम्मीदें थी उस बाइक से वो मिला नहीं। ऑब्वियसली यार बहुत से फीचर्स के अंदर वो लैक करती है, एंड काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इसके अंदर मिलेंगे, इसके अंदर आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे, एंड डिज़ाइन। एंड अब बात करते हैं यार इसके फीचर्स पर, चलते हैं एक बार। सो ऐसा जो है कुछ आपको फ्रंट आपको जो वेलकम मिल जाएगा रेडी टू रेस, देख सकते हैं कितने ही सारे यहाँ पे आपको जो फीचर आपको लोडेड मिल जाएंगे। पहली चीज़ यहाँ पे ट्रिप वन, ट्रिप टू, डेट, बैटरी, एंड यहाँ पे आपको जो टैकोमीटर, बीच में आपकी स्पीड आ रही है, एंड रोड, यहाँ पे आपको जो मोड दिखा रहा है, यहाँ पे आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल दिखा रहा है, एंड इसी के साथ आप चलते हैं इसके मेन्यू के अंदर। सो मेन्यू के लिए जाने के लिए आप यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन टॉगल कर सकते हो, चलते हैं एक बार, इसको हटा देता हूँ, एंड यहाँ से हम गए सबसे पहले KTM माई राइड के अंदर, यहाँ से गए हम, यहाँ पे आप जो अपने डिवाइस को पेयर कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जो कॉल, SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल जाएगी देखने के लिए, एंड ट्रिप्स एंड डाटा, यहाँ पे आपके ट्रिप वन, ट्रिप टू, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड मोटरसाइकिल के अंदर जाएंगे, सो यहाँ पे आपको जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, जो आपकी आप ऑफ ऑन कर सकते हो, ABS आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रोड एंड सुपर मोटो मोड, अगेन ये भी आप जो है ऑफ ऑन कर सकते हो। एंड उसी के साथ चलते हैं सेटिंग्स में, सो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको जो मिल जाएगी बहुत अमेजिंग, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पहले आपको ब्लूटूथ आ रही है, अगेन मैं जैसे कि बताया आप अपना डिवाइस जो है पेयर कर सकते हो, अगेन यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले थीम, शिफ्ट लाइट आपको कैसी चाहिए, एंड उसी के साथ यहाँ पे आपकी क्लॉक, डेट, यूनिट, लैंग्वेज, सर्विस इंटरवल आपको दिखा देगा, एक्स्ट्रा फंक्शंस के अंदर जाते हैं, एंड ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, अगेन ABS, सारी चीज़ें, उसी के चलते नीचे। सो इसके अंदर आपको एक फीचर्स और मिलता है यार,
जो कि आपका रहने वाला है वो आई डोंट थिंक सो, अभी मैं इसके अंदर मेरे को दिखा नहीं, वो रहने वाला है आपका क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर। यस, इस बाइक के अंदर आपको जो है क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो इसकी प्लेट नंबर आपको जो देखने के लिए मिल जाएगी, सो आप जो है बिना क्लच को यूज़ करें अपने गियर को जो है अपशिफ्ट कर सकते हो, डाउन शिफ्ट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि इस सेगमेंट के अंदर आई डोंट थिंक सो कि आता है किसी बाइक के अंदर। सो ये बात थी यार कुछ फीचर्स की, कुछ फीचर्स लोडेड, परफॉर्मेंस फीचर, एक अच्छा डिज़ाइन, अच्छे लुक, सब ये बाइक जो आपको ऑफर करती है। सो ऐसा था यार कुछ बाइक का ओवरऑल रिव्यू। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, बट उससे पहले एक बार मैं इसका जो एग्जॉस्ट साउंड आपको मैं सुना दूंगा। सो यार बिना किसी देरी के इस बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देता हूँ। सो चलो, मिलते हैं ऐसे किसी नजर में। सो टिल देन आई विल गो बाय। थैंक यू।